उसके प्रायोजक है सोनपरी टेलीकॉम। अब आप पा सकते हैं दिन भर की सारी खबरें अपने मोबाइल पर, तो आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें एटीएन टीवी न्यूज ऐप और पाइए सारी जानकारी। नमस्कार, एटीएन टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। भारत की प्राचीन परंपरा एवं संस्कृति की अमूल्य देन योग, उसके योगदान के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त राष्ट्र यूएन महासभा में 2014 को बताए जाने के बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने की शुरुआत हुई। इसके बाद बने माहौल के चलते न सिर्फ बड़ी संख्या में लोग योग सीख रहे हैं, बल्कि योग की शोध के लिए भी लोग आगे आ रहे हैं। योग के माध्यम से लोगों के वैश्विक एकीकरण को मजबूत करने के लिए, दुनिया में जागरूकता, विकास और शांति बढ़ाने के लिए, दुनिया में नई बीमारियों को कम करने के लिए, लोगों को योग के प्राकृतिक लाभों से जोड़ने के लिए और योग तमाम बीमारियों से छुटकारा दिला सकता है, ऐसी जागरूकता लोगों में फैलाने के लिए योग दिवस का महत्व बढ़ जाता है। 21 जून विश्व योग दिवस को पूरे जिले के विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी जगहों पर योग कार्यक्रम आयोजित करके मनाया गया। विश्व योग दिवस 2019 के अंतर्गत साबरकांठा जिले में पुलिस हेडक्वार्टर्स कंपाउंड में योग दिवस के चलते जिला कक्षा का सामूहिक योग शिविर का आयोजन हुआ। जिला प्रशासन प्रणाली द्वारा साबरकांठा जिले के नागरिकों में योग की गरिमा को स्थापित करने के लिए योग दिवस पर सामूहिक योग किया गया। हिम्मतनगर से समीर मेमन की खास रिपोर्ट। अपने शहर और आसपास की खबरें जानने के लिए देखते रहिए एटीएन टीवी न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।